कक्षा 7 संस्कृत आज आप लोगों को प्रथमा पाठ है। प्रथम पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे बच्चों। पाठ का नाम है सुवासितान। सुवासितान का मतलब होता है सुंदर वचनों को बोलने वाला। पहला श्लोक है इसमें हमारा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम माने पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुवासितम मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, त्रीण माने तीन, रत्नान माने रत्न पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से तीन प्रमुख रत्न है? जल, अन्न, जलम माने हो गया जल और मामे से आ निकाल लिया तो अन्नम हो गया अन्न, और सुवास्तव माने सुंदर वचन। जल, अन्न और सुंदर वचन। ठीक है, देखिए अगर हमें जल नहीं मिलेगा तो हमारी जीवन जो है असुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो हमें जल की यानी पानी की आवश्यकता होती है, और उसके बाद में दूसरी आवश्यकता हमारी होती है अन्न माने अन्न की, जो हमें जो ऊर्जावान बनाने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे। तो जल और अन्न, उसके बाद में स्वास्थ्य माने सुंदर वचन। ये सुंदर वचन ही होते हैं जो हमें लड़ाई झगड़े इत्यादि से दूर रखते हैं। तो पृथ्वी पर कौन कौन से तीन रत्न बताए गए हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन। किंतु ये सज्जनों के लिए, किंतु जो लोग कैसे होते हैं, मूढ़े, मूढ़े माने मूर्ख लोग जो होते हैं, पाषाण खंडेश, पाषाण माने पत्थरों के, खंडेश माने टुकड़ों को, रत्न माने रत्न की, संज्ञा माने संज्ञता, विधियते माने जानते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, पता कि उनके लिए रत्न क्या होता है? हीरे जवाहर जो होते हैं उन्हें वो लोग क्या मानते हैं? रत्न। कहते हैं कि मेरे पास ये रत्न है, वो रत्न है, दुनिया भर के मानते हैं उन्हें। कहते हैं अरे ये तो सब बातें हैं, पानी और अन्न तो मिल ही जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि बिना जल और अन्न के या सुंदर वचनों के द्वारा जो किसके पास होते हैं? सज्जनों के पास। इनके बिना जीवन चलना असंभव है, कल्पना ही नहीं की जाती है जल और अन्न और सुवासित वचनों के अलावा। किंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो हमेशा ही रत्न किसे समझते हैं? जो हमारे सोना चांदी जवाहर इत्यादि जो है उनको मानते हैं। ठीक है, इसके बाद श्लोक हमारा है श्लोक नंबर दूसरा, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी किसको किस लिए धारण की हुई है? सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। हमारी पृथ्वी क्यों टिकी? क्योंकि सत्य पे है। इसलिए सत्येन तपते रवि, और जो रवि माने भगवान सूर्य, जिनको भास्कर बोलते हैं, भगवान सूर्य भी कि क्यों तपते हैं, क्यों सुबह निकलते हैं? सत्य के को प्रतिष्ठित करने के लिए। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के लिए ही वाति माने बहती है यानी चलती है, वायुश्च माने हवा, और जो हवा होती है वो भी क्यों चलती है? सत्यता के लिए चलती है। इसीलिए सर्वम सत्येन प्रतिष्ठित, इसीलिए सत्य जो है सभी जगह प्रतिष्ठित है, सभी जगह सत्य की ही बोलवाला होता है। क्यों? क्योंकि हमें पृथ्वी से ये सीखना चाहिए कि पृथ्वी हमारी सत्य के लिए हमेशा धारण किए हुए है सत्य को। रवि जो है, सूर्य जो है, वो भी सत्य के लिए तप रहा है, और जो हमारी वायु माने हवा जो बह रही है वो भी सत्य के लिए बह रही है। सर्व सत्येन प्रतिष्ठितम, इसीलिए सत्य को सभी जगह प्रतिष्ठित किया गया है। अब हमारा है श्लोक नंबर तीसरा, देखिए, दाने तपस्य शौर्य। दाने माने दान से, तपस्य माने तपस्या से, शौर्य माने प्रगति शौर्य से, और विज्ञाने विनय, विज्ञान से, विनय माने नीति से, इन सभी से, विनय से, नय माने नीति से। देखिए दान से, तप और तपस्या से, शौर्य से यानी वीरता से, च माने और, विज्ञान के द्वारा, विनय माने शीलता या विनय के द्वारा, नय माने नीति के द्वारा, ये क्या है? ये सब रत्न है। विस्मयो ही न कर्तव्य, इन जो ये चीज़ें जिन लोगों के पास होती हैं उन्हें अपने ऊपर घमंड यानी विस्मय नहीं करना चाहिए। किस किस को? दान, जो लोग दान देते हैं उन्हें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जो तप करते हैं उन्हें भी नहीं घमंड करना चाहिए, शौर्य माने वीर लोगों को भी, और जिनके पास विनय है, नीति है, विज्ञान है, ये सब नहीं, हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। क्यों? ना माने नहीं, विस्मय माने आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि ये सब है ही माने, क्योंकि कर्तव्य माने कर्तव्य, बहु रत्ना वसुंधरा, देखिए बहुत से रत्नों से वसुंधरा माने पृथ्वी भरी हुई है। हमारी पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं,
तो पृथ्वी कभी भी घमंड करती नहीं करती है, कभी विस्मय है इस बात में, कभी हम लोग आश्चर्यचकित नहीं होते कि ओह पृथ्वी पे इतने रत्न है। उसी प्रकार से जो है दान तप सौर और विज्ञान आदि में हमें कभी भी जो है विस्मय नहीं करना चाहिए। ओके।